हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई आज हम बैठे क्रेटा ऑटोमेटिक डीजल। तो ये इसका भाई टॉप एंड वेरिएंट है, जो इससे ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। ये अपना भाई 21 लाख कुछ का ऑन रोड पड़ता है। तो आज इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो अभी गाड़ी चल रही है 30-40 की स्पीड पे लगा लो। अब जैसे ये कम्फर्ट मोड में है, तो जैसे एकदम पूरा एक्सलेट करता हूँ तो देखना भाई कैडाई डाउन मार देती है और पिकअप वगैरह। भाई गाड़ी एक नंबर है। तो अब देखो भाई, ये मतलब पता ही नहीं चलता कब कब में 90-80 टच कर देती है। और जैसे ही अपना नॉर्मल एक्सलेट करते हैं तो अपना नॉर्मल आरपीएम आ जाता है, देख सकते हो। अब जैसे ही गाड़ी को एक बार इसका मोड चेंज करते हैं, साइड में रोक के इको मोड में लगा के, और फिर उठा के देखते हैं कैसी उठेगी। फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है भाई अपना, और इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाता है। तो अब इसको करते हैं इको मोड में। तो अब जैसे ही इको मोड से, जैसे एक पैर अपना ब्रेक पे, एक एक्सलेटर पर, तो ये इको मोड है भाई, देख सकते हो। मतलब इको मोड में भी काफी तगड़ा पुश कर रही है गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मतलब थोड़ा 100 तक थोड़ा सा टाइम लेती है मतलब, पर चली जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसी गाड़ी को मंदी करते हैं, कंफर्ट मोड में दिखा दिया था, अब करते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड में। तो एक बार गाड़ी को आगे से यूटर्न ले लेते हैं, फिर इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे। इको मोड में बात करते हैं एवरेज की, तो भाई एवरेज ये देखो, मतलब अगर जैसे अब मैं इंस्टेंट एवरेज ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाई इसका 10.6 की दिखा रही है, मतलब दे देगी भाई ये अपना 20 तक, 18-20 की तो दे देगी आराम से, अगर प्यार से चलाएं तो। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो अब ये गाड़ी चल रही है 50 पे, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और जैसे ब्रेक लेता हूँ तो मतलब काफ़ी स्मूथ है मतलब भाई। और मतलब जैसे अब ब्रेकर पे से उतरी है तो पता भी नहीं चलता कि जैसे ब्रेकर पे से भी उतरी है गाड़ी। अब जैसे टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, तो अब देखना भाई ये अपना रोड है सामने, और मतलब लाइन भी चेंज नहीं करी, एक अपनी उसी लाइन में चल देती है। अब गाड़ी के एक बार साइड लगा के स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या पिकअप है गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड में। 1046 मतलब पूरी नई गाड़ी है भाई, अभी तक खुली भी नहीं है। तो ये होगी स्पोर्ट्स मोड में, इसको कर लेते हैं अपना मैनुअल पे। तो पैडल शिफ्टर से तो भाई मैं चला नहीं पाऊंगा, तो एक बार डीपे कर लेते हैं, क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़ रखा है। तो एकदम जैसे एक्सलेट करते हैं, मतलब भाई नॉइज बहुत ज्यादा आती है, और गाड़ी देख सकते हो काफी तगड़ी भग रही है। और 100 मतलब पता ही नहीं चलता, इको मोड में तो भाई मतलब पूरा पुश करती है। अब गाड़ी को फिर से एक बार दिखा देता हूँ एवरेज वगैरह क्या सीन रहता है अपना स्पोर्ट्स मोड में। तो जैसे मैंने पुश कर रखी है तो वो 10 की एवरेज दिखा रही है भाई, देख सकते हो इंस्टेंट है। मतलब अब जैसे एक्सीलेटर से थोड़ा सा पैर हटा लेते हैं तो 10-20 पहुंच जाती है, मतलब 15 के एयरफेयर में दे देगी स्पोर्ट्स मोड में। और बात करते हैं इको में, तो 20 की है ही। और भाई अपनी कम्फर्ट की बात करते हैं, तो कम्फर्ट मोड मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसका, क्योंकि कम्फर्ट मोड में मतलब बीच का है भाई, ना इको ना स्पोर्ट्स, बीच का मतलब काफ़ी तगड़ी चल जाती है, मतलब कोई वो ही नहीं है गाड़ी में कमी कहने को, मतलब आर पार है भाई चलने वगैरह में। डीजल हालांकि जो इसका टर्बो आता है उसकी तो भाई क्या ही कहने, क्योंकि टर्बो तो भाई भगती अलग है, थोड़ा सा इससे टर्बो से कम है इसमें पिकअप, पर चलने वगैरह में भाई हर चीज़ में गाड़ी A1 है। तो हुंडई के लिए थम्सअप। तो भाई ऐसा कुछ अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, स्पीड टेस्ट जो हमने करा था। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।